नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूँ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहने को तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, लेकिन जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है ना तो बड़े बड़ों की कमाई का काला चिट्ठा सामने आ ही जाता है। आप सोचते होंगे कारोबारी या छोटे मोटे बिजनेसमैन ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आते हैं, लेकिन जनाब आज इस खबर के बाद अब आपकी नजर भी चाट पकौड़ी वालों पर जरूर रुक जाएगी, क्योंकि 10 रुपए का समोसा चाट पकौड़ी बेचने वाले कई टैक्स चोर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में आ गए हैं। अभी आप यही सोच रहे होंगे कि एक चाट पकौड़ी बेचने वाले के पास कितना ही पैसा होगा, कुछ 10 लाख या फिर 20 लाख। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उससे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। साधारण सी शक्ल सूरत वाले ये लोग करोड़ों दबाए बैठे हैं। चाय समोसा और पान की गुमटी लगाने वाले करोड़पति कानपुर में कैसे टैक्स की चोरी करते पकड़े गए, ये आपको हम बताते हैं। कानपुर में एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा ऐसे रईसों का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आया है। आयकर विभाग और GST रजिस्ट्रेशन की जांच में 256 ठेले वाले करोड़पति निकले हैं जो छुपे हुए धन्ना सेठ हैं। डेटा सॉफ्टवेयर और तकनीकी टूल्स की मदद से जब इनकी कुंडली खंगाली गई तो विभाग के अधिकारी दंग रह गए। एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक GST रजिस्ट्रेशन से बाहर इन व्यापारियों ने एक पैसा टैक्स का नहीं दिया, लेकिन 4 साल में करीब 375 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद ली गई। कानपुर के धरना सेठों ने गली मोहल्लों में ठेले लगाए हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है अब इसका खुलासा हो चुका है। इन्होंने रिहायशी इलाकों में बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीद ली हैं। अब इस खुलासे के बाद इस छुपे रुस्तम धन्ना सेठों से कैसे टैक्स का पैसा निकलवाया जाएगा, ये तो इनकम टैक्स विभाग को देखना है। लेकिन जनाब गरीबी की चादर ओढ़े ऐसे ही अमीर होते हैं जो ना गरीबों को जीने देते हैं और ना ही सरकार को। इनको आता है तो बस लोगों की आंखों में धूल झोंकना और आलिशान महलों में ऐश की जिंदगी गुजारना। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।